वेलकम ऑल माय डी ऑनलाइन स्ट्रेंड टू इंडिया नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग टू डॉट कॉम और मैं आपका फेवरेट जी एस है फिर से आपकी सेवा में हाजिर आज के सेशन बेटा हम लोग बात करेंगे ठीक है ना प्रीवियस सेशन जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हर तरह के एलिगेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज हर एक चीज़ मैंने डेप्थ में आपको ठीक है ना एक्सप्लेन कर दी है वी हैव ऑलरेडी टेकन एट और नाइन सेशनस एकदम एग्जैक्ट काउंटिंग मुझे नहीं पता एट और नाइन सेशंस हो चुके हैं बेटा छोटे छोटे हमारे बट उनमें अब हमारा बेस पूरी तरह से बन चुका है तो अब हम चालू करेंगे आज के सेशन बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कई बुक्स में एक फॉर्मूला गिवन होता है पहले तो हम समझ लें क्या फिर हम फॉर्मूले की भी बात करते हैं नंबर जिसे हम शॉर्टकट में बुलाएंगे ई एन ई एन ठीक है जिसे हम बुलाएंगे शॉर्टकट में क्या बेटा ई एन अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है एक लाइन की डेफिनेशन कोई फार्मूला वार्मूला की हम बात नहीं करने वाले डेफिनेशन लिख लो बेटा एक लाइन की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी एम आई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी एम आई दैट इज सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सी एम आई जो भी सेंट्रल मेटल आयन आपके कॉम्प्लेक्स में है उसके बाद आखिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या हुआ अब हो सकता है आपको इस पहली लाइन में ही कुछ कन्फ्यूज़न हो गया हो फिर से वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ठीक है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी एम आई ठीक है ना या विथ सी एम आई आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है भैया कॉम्प्लेक्स बनता है जब लिगेंड क्या करेगा अपना लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डॉट जो भी हो वो सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर दे बेटा डोनेट कर दे ठीक है ठीक है अब वो जब डोनेट करने आ रहा होगा बेटा तो सेंट्रल मेटल आयन को भी जितने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतने वैकेंट ऑर्बिटल्स उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे बेटा और अकॉर्डिंग टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड ठीक है ना न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने के लिए सी को भी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन कुछ भी करना पड़ सकता है नॉर्मली लूज ही होता है बट इन सर्टेन केसेस गेन भी करना पड़ सकता है मतलब जो सी है मेरे पास कॉम्प्लेक्स में वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन ऑलरेडी उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट सपोज एन एग्जाम्पल एफ़ी तो एफ़ी -E के पास एटोमिक नंबर है 26 मतलब 26 इलेक्ट्रॉन तो हैं इसके पास अब ये कुछ लूज़ या गेन करेगी एफ ई प्लस टू बना मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो बचे कितने बेटा ट्वेंटी फोर एफ ई प्लस थ्री बना तो इसने दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो बचे कितने ट्वेंटी थ्री जो हैं उसके पास प्लस अब लिगेंड भी तो देने आ रहा है बेटा लिगेंड देने आ रहा है तो उससे भी वो कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है एक्सेप्ट कर रही है ठीक है ना तो उस अगर वो उसे एक्सेप्ट कर रही है बेटा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद मान लीजिए Fe+3 को छः साइनाइड आयन लिगेंड देने छ साइनाइड आयन अभी मैं मोनोडेंटेंट का एक पहले ओरल वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बता रहा हूँ छह साइनाइड आयन बॉन्ड बनाने आए ठीक तो है तो छः साइनाइड आयन साइनाइड आयन एक मोनोडेंटेंट लिगेंड है बेटा तो एक साइनाइड दो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब छः साइनाइड ने बारह इलेक्ट्रॉन दिया तो एफ के पास ऑलरेडी एफ प्लस थ्री में ट्वेंटी थ्री इलेक्ट्रॉन थे और ट्वेल्व और लेने के बाद कितने हो गए बेटा थर्टी फाइव ये थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता है बेटा कि जब वो न्यूट्रल होता न्यूट्रल होता तो जो एटॉमिक नंबर होता वही उसका क्या होता नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते तो अब अगर उसके पास थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स में एफ़ी का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है इफ़ेक्टिव एक्चुअल तो एफ ही का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा ट्वेंटी सिक्स है बट अब उस कॉम्प्लेक्स में उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थर्टी फाइव हो गया क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स में उसके पास थर्टी फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ना द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटोमिक नंबर डेफिनेशन मैंने लिखा दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी एम आई आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बताया है मैं अभी आठ दस एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ फिर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटोमिक नंबर इज गिवन बायविक एस आई जी डी डब्ल्यू आई सी ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटोमिक नंबर इज गिवन बाय एस आई डी जी है ना एस आई डी जी 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 डी लिख दिया हमने एस आई डी जी सिडविक ठीक है एंड इट इज जस्ट लाइक ऑक्टेट रूल इट इज जस्ट लाइक कौन सा रूल ऑक्टेट रूल ऑप्टेड रूल में क्या कर रहे थे बेटा बॉन्डिंग में अगर आपको ध्यान हो ऑक्टेट रूल में हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा था मतलब वो उससे अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो चाह रहा था नी वाला कॉन्फिगुरेशन ले ले उसके अगले आने वाली इनर्ट गैस का कॉन्फिग्रेशन नीओन है सेकेंड पीरियड की थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा कौन सा कॉन्फिगुरेशन ले ले आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन वाला ले ले ठीक है तो सोडियम होगा बेटा 11 इलेक्ट्रॉन वाला तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले लूज करके अपने पहले वाले इनर्ट गैस का कॉन्फिगुरेशन मतलब नियॉन का ले लेगा थर्ड पीरियड में क्लोरीन है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो सी माइनस मतलब आर्गन का कॉन्फिग्रेशन ले लेगा ले. तो जैसे ऑप्टे रूल में वो नियरेस्ट उससे जो नियरेस्ट नोबल गैस है बेटा उसका कॉन्फिग्रेशन ऑप्टेन करना चाह रही थी वैसे यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटोमिक नंबर इज गिवन बाय बायविक ठीक है ना और ये जस्ट लाइक ऑक्टेन रूल है मतलब पहले तो एक चीज़ आप समझ लो बेटा थ्री सीरीज की कोई भी एलिमेंट थ्री सीरीज की कोई भी एलिमेंट ठीक है ना थ्री सीरीज कहाँ से चालू होती है बेटा इनका जेड है ना थ्री सीरीज है जेड आपका ट्वेंटी से लेकर 30 तक होगा तो ये आपका हीलियम ही आर्गन ये जाना चाहेंगी क्रिप्टॉन जिसका Z है 36, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी गेन भी तो करेगी ना बेटा ठीक है ना अगर 4d सीरीज़ है आपका नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ़ द एग्जांपल्स यू विल फाइंड ऑन 3d सीरीज अगर 4d सीरीज़ है तो जिसका आपका कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा 4d सीरीज़ कहाँ से चालू होती है 39 नाइन पोटेशियम का आपका है न कहा से चालू होती है हैी सीरीज आपका ठीक है क्रिप्टन के बाद 54, फोर 56, 57 सॉरी क्या लिख रहा हूँ 39, 39 से लेकर 48 है ना कभी कभी हम, हम भी भूल जाते हैं बेटा एटॉमिक नंबर इंसान ने हम भी है ना माइंड कभी कभी दूसरी जगह भटक जाता है ना क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है बेटा जिनॉन इसका जेड कितना है बेटा फिफ्टी और जिनॉन के बाद क्या होता है आपका हिलियम आर्गन क्रिप्टन जिनॉन रेडॉन जिसका जेड होता है कितना 86 तो यहाँ पर भी अगर कोई 5d सीरीज़ के आ गई जिसका जेड 57 और उसके बाद आपका ठीक है ना 72 से लेकर कहाँ तक बेटा 80 तो ये एक हमें ध्यान रखना है ठीक है ना थ्री सीरीज वाली सीरीज कोई भी एलिमेंट आ गया 3d सीरीज़ का आपका वो चाहेगा कि उसका इफेक्टिव एटोमिक नंबर थर्टी के आसपास थर्टी हो जाए फोर डी सीरीज वाला चाहेगा फिफ्टी फोर खोज जाए फाइव डी सीरीज वाला चाहेगा एटी सिक्स तो सिडविक ने ये रूल बोला था बेटा कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच कॉम्प्लेक्सेस इन विच ठीक है ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सी एम आई इज इक्वल टू इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ ठीक है ना एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस देन दैट कॉम्प्लेक्स विल फाउंड टू बी मोर स्टेबल ये स्टेटमेंट भी लिख लेना बेटा कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप तो ई एन लिखना शॉर्टकट में ऑफ सी एम आई इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस नेक्स्ट मतलब ट्वेंटी वन थर्टी के लिए नेक्स्ट क्या हो गया बेटा थर्टी सिक्स वाले देन दैट कॉम्प्लेक्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल ये उसने बोला था बेटा बट सो मैनी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं बस ये तो हमें सुनना समझना है पता होना चाहिए बेटा ठीक है ना और रही बात अभी मैंने बोला कई बुक्स में फार्मूला लिखा होता है बेटा है ना कई बुक्स में क्या होता है फार्मूला लिखा होता है ई ए का वो फार्मूला पूरी तरह से सही नहीं है बेटा काफ़ी जगह आपको फार्मूला फेल हो जाएगा वो फार्मूला है एटोमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस आपका टू इंटू डेंटिसिटी कई बुक्स में तो ये लिख देता बेटा ठीक तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं है बेटा क्योंकि हमें डेंटिसिटी तो खुद देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या कर रहा है ना ये टू इंटू डेंटिसिटी ये तब वैलिड हो सकता था बेटा जब आपके पास लिगेंट कन्फर्मली क्या हो बेटा मोनोडेंटेंट हो है ना अब इसका मॉडिफाइड वर्जन हम ये जरूर बोल सकते हैं इट इज़ एटोमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ठीक ना प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फॉर्मूले की ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी मैंने आपको एफ ई वाला एग्जाम्पल दिया हम औरली कैलकुलेट कर सकते हैं बट बता जरूर दूं मैं प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड बाय किससे बेटा लिगेंड तो ज़्यादा करेक्ट हम तब भी इस फॉर्मूले को बोल सकते हैं बट ऊपर वाला फार्मूला अगर आप करोगे जैसे वो लिखा है तो वो मोनोडेंटेंट के लिगेंड के इसलिए फार्मूले वार्मूले की बात छोड़ो सीधे हम निकालना चालू करेंगे बेटा ठीक है ना ठीक है जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दे रहा हूँ आप उनकी इफेक्टिव एटोमिक नंबर लाइक के फोर एफ ई के सी एफ सी एन सिक्स सी आर सी ओ सिक्स सी आर सी सिक्स एच सिक्स होल्ड पर्स फिफ्थ आपका एफ एच फाइव होल्ड पर टू एच फोर ठीक है सेवन सी यू एन एच थ्री होल फोर प्लस टू ठीक है एट अब जरूर नहीं बेटा कि हमेशा ना पूरा कॉम्प्लेक्स दे इस तरह से चार्ज के फॉर्म में दे दिया एट एफी सी एन फाइव एनओ प्लस टू है ना पहले हम इन आठ एग्जाम्पल्स को ही देख ले रहे हैं आपको मैंने हर बार बोला बेटा जैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन लिखू आपको तुरंत अपना वीडियो पॉज करके पहले खुद से प्रैक्टिस करनी ठीक है ना इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया था क्योंकि इनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ने वाली ठीक है तो आप प्लीज जल्दी से अटेम्प करें वीडियो पॉज करके ठीक है तो आपको यह एटॉमिक नंबर ढंग से निकालते आना चाहिए बेटा है ना इनके एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए सभी के अब हमारा पूरा सब न्यूमेरिकल चीजें चालू हो रही हैं एक तरह से बोल सकते हो बेटा ठीक है प्लस लिगेंड की जानकारी उसी से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह चलिए फर्स्ट में बात करें तो एफ है एटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालें बेटा माइनस सिक्स इधर प्लस फोर तो प्लस टू मतलब है ना प्लस चार्ज आ रहा मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ करें तो आपको तो वैसे यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट कर देनी बेटा ट्वेंटी सिक्स माइनस टू और प्लस कितना आपका ट्वेल्व तो ये हो गया कितना थर्टी सिक्स ठीक है बट नीचे चले बेटा सिक्स नाइन एड माइनस सिक्स थ्री पोटेशियम प्लस थ्री तो एफ के ऑक्सीडेशन नंबर ठीक ना? Plus 3 है ना प्लस थ्री है इसलिए अभी मैंने बताया भी था ये आपका थर्टी फाइव तो अभी मैंने बोला था कि एक ये रूल ये एक पॉइंट भी कई बुक्स में मेंशन होता है कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव अटोमिक नंबर ठीक है ना नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गए दैट कॉम्प्लेक्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल और कई टीचर्स बताते भी हैं ये स्टेटमेंट कई बच्चों को भी कन्फ्यूज़न रहता है बेटा तो ये लिखा हुआ है तो है पॉइंट कई जगह बट ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी की बात करूँ ठीक है ना तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अब ये तो देखिए हो गया ठीक है ना ये तो नियरेस्ट नोबल गैस थर्टी सिक्स को अचीव कर गया ये नहीं है बट के एफ थ्री एफिशियंसिक्स और केफ फोर एफिशियंसिक्स की बात करूँ तो दिस इज इस मोर स्टेबल दिस इस इज़ इस लेस स्टेबल ठीक है ना तो ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि भैया पता होना चाहिए हमारा बट ये पूरी तरह से सही नहीं है अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है ना ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हमारे पास बाकी सब चीज़ें तो सेम देख रहे हैं बेटा ये प्लस थ्री है बेटा प्लस थ्री होने का मतलब जैड इफेक्टिव क्या हो गया इसलिए बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल पुरानी सब चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए बेटा कोऑर्डिनेशन इसलिए ट्वेल्थ में डाला है कि पहले हमें इलेवंथ का पोर्शन पूरी तरह से क्लियर हो ठीक है तो प्लस थ्री अगर हो गया है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा बेटा जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब जो छः साइनाइड ऊपर है एफ ई प्लस टू में यहाँ है एफ ई प्लस थ्री में छः साइनाइड जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहे हैं प्लस थ्री वाले का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो उनकी उन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी उनकी उन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा ज़्यादा ठीक है ना तो आगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे रफ आइडिया कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं ठीक है ना तो ये जो सिडविक का रूल है बेटा ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में पूरी तरह से अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमें बाकी फैक्टर्स को भी देखना पड़ सकता है बट 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 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि ये रूल आपका मेटल कार्बोनिल्स में हंड्रेड परसेंट अप्लीकेबल है ठीक है ना मेटल कार्बोनिल्स में हंड्रेड परसेंट है इसी को कई है ना कई टीचर्स एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव ऑटोमिक एटोम ई एन रूल बना देते हैं और कई टीचर दूसरे में भी बताते हैं तो मैं दोनों तरीकों से समझा दूंगा मैं भी हैडिंग भले एप्लीकेशन ऑफ ई एन लिखा के बता दूंगा बट मान के चलना मेटल कार्बोनिल्स में अगर किसी मेटल कार्बोनिल में 35 नहीं हुआ ठीक है ना मतलब 36 नहीं हुआ थ्री डी सीरीज़ वालों का या फोर डी सीरीज़ वालों का फिफ्टी नहीं हुआ तो वो फिर कोई दूसरी प्रोसेस शो करेंगे बेटा ताकि वो अपना ई एन

है ना मेटल कार्बोन इसको तो ये रूल फॉलो करना कंपलसरी बेटा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस के भले फिक्स ना हो सी आर सी सिस होल्ड ट्वेस अगेन बेंजीन है न्यूट्रल तो ट्वेंटी फोर माइनस जीरो प्लस बेंजीन है बेटा तो अब हमें एक एक लिगेंड की पूरी जानकारी नहीं होगी तो आगे हमारा ही काम गड़बड़ होगा तो यहाँ पर आपका बेंजीन जो है वो सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और छः दो बेंजीन है तो सिक्स टू जै ट्वेल्व तो इसलिए हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सी एम आई आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एफ ई सी फाइव एच वाई वर्ल्टाइस ना एफ ई का ट्वेंटी सिक्स बेटा अब सी फाइव एच वाई साइक्लोपेंटा तो माइनस टू चार्ज है मतलब एफ ई के ऊपर प्लस टू तो इसने दो इलेक्ट्रॉन पहले लूज करे ट्वेंटी फोर सी फाइव एच फाइव दो सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा ठीक है ना सिक्स इलेक्ट्रॉन डोनर है तो सिक्स टू जो ट्वेल्व ये देखो थर्टी सिक्स ठीक है ये भी स्टेबल है के पी टी सी एल सी सी टू एच को जैसे सोल्व कर लिया था हमने ठीक है ना प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है अब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर तो इसलिए आपको थ्री डी फोर डी फाइव डी सीरीज कंपल्सरीली याद होना जरूरी है बेटा नहीं पढ़ोगे पिटोगे मैजिक नंबर मैंने पीरियोडिक टेबल में बताई थी ट्वेंटी एट है निकिल का उसके बाद एटीन का जंप आया बेटा फोर्टी सिक्स ठीक है ना फिर थर्टी टू का जंप आता है तो डी ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर है वो एटीन थर्टी टू है अगर हम केवल थ्री डी फोर डी फाइव डी की बात करें मतलब आप देख लीजिए ट्वेंटी वन से कितने का जंप आया बेटा एटीन का थर्टी नाइन और उसके बाद आपका जंप कितने का आया बेटा है ना यहाँ पर एटीन का है बट बाकी आप देख लो ठीक है ना फोर्टी एट से सीधे सेवनटी टू ठीक है ना हरी बात समझ में तो इस तरह से मतलब फोर्टी से सीधे एट्टी सेवनटी तो गलत बोल रहा हूँ लास्ट एलिमेंट की बात करना बेटा तो थर्टी से फोर्टी एट का जंप आया और फोर्टी से एट्टी थर्टी का जंप आया तो अगर हम केवल थ्री डी फोर डी फाइव डी की बात करें तो इनका मैजिक नंबर एटीन और थर्टी टू है तो अगर निकेल ट्वेंटी एट है तो एटीन और जोड़ दो पैलेडियम हो गया आपका फोर्टी सिक्स और फिर उसमें थर्टी टू और जोड़ दो तो फोर्टी सिक्स पर थर्टी टू सेवेंटी एट क्योंकि ये हमें याद होना जरूरी हो सकता गिवन हो बेटा फ्रंट पेज में नॉर्मली एटोमिक नंबर गिवन होते हैं बट एग्ज़ाम में गिवन होगा ना बेटा तो शीट वीट करते वक्त तो अगर हमें नहीं याद होगा बार बार हम इधर उधर खोल रहे हैं तो जल्दी के लिए हमें याद होना चाहिए सेवनटी एट माइनस टू ठीक है प्लस अब इलेक्ट्रॉन क्लोराइड सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा डोनर मतलब एक ही लोन पे डोनेट करेगा तो छः इसने डोनेट करे ये दो इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है छ और दो कितने हो गए बेटा आठ ठीक है ना तो सेवनटी सिक्स प्लस सेवनटी सिक्स प्लस एट कितना हो गया आपका एट्टी फोर अब इसमें देखो फॉलो नहीं हो रहा है सी यू एन एस थ्री वर्ल्ड फोर प्लस टू तो इसमें सीधे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू ये तो ट्वेंटी नाइन माइनस टू क्योंकि अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंड है और फोर अमोनिया तो इन्होंने एट दिया बेटा ठीक है ना तो ट्वेंटी नाइन प्लस सिक्स थर्टी फाइव ठीक है ना जिन जिन कॉम्प्लेक्सेस में फॉलो हो रहा है उनको मैं टिक कर दे रहा हूँ देखो अगर हो जाएगा तो स्टेबल है और मैंने बोला है कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में भले फॉलो ना हो कार्बोनिल में तो जरूर होना चाहिए जिसको आप एप्लीकेशन बोल दें या जो भी बोल दो चलो लास्ट एग्जाम्पल और देखें बेटा एफ ई सी एन फाइव एनओ तो इसमें क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स आपको दो ही कॉम्प्लेक्स बताए थे जिनमें एनओ प्लस वन में होता है वो याद रखना जरूरी है एक यही है तो ये प्लस वन बेटा ये माइनस फाइव तो प्लस का फोर मतलब एफ ई प्लस टू में है तो ये दो गए तीन प्लस अब पाँच साइनाइड एक साइनाइड दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दस और एनो इसमें क्या है टू इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ट्वेल्व तो ये हो गया कितना बेटा ठीक है थर्टी सिक्स तो इसमें वापस फॉलो हो रहा है ठीक है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर भी चांस है बेटा क्वेश्चन घुमा फिरा के कि किसी न किसी फॉर्मेट में आपके ऊपर आ सकता है इसके लिए आपको पूरा नॉलेज लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर का होना जरूरी है ठीक है चलिए अब हम लिखते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ई एप्लीकेशन ऑफ ई ठीक है अब ये जो एप्लीकेशन है बेटा ये मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ही है एप्लीकेशन जो है वो मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए ही ये जो एप्लीकेशन है बेटा ये मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स ही जिसको मैंने बोला है कि मैं अलग से आपको चाहे तो एप्लीकेशन के फॉर्म में बोल सकता था या नॉर्मल बोल सकता था बेटा ठीक है ना कि सिडविक के अकॉर्डिंग अगर निक्स, निक्स, नोबल गैस के बराबर आ गया कई टीचर्स ऐसे भी बताते हैं कई एप्लीकेशन के फॉर्म में बताते हैं मैं दोनों तरीकों को मिक्स कर दे रहा हूँ बेटा बोल भी दे रहा हूँ उसको और समझा एप्लीकेशन के फॉर्म में रहा हूँ अगर हो गया बेटा तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में भले फॉलो ना हो रहा है जैसे ये एक्सेप्शन है सामने इसलिए लिखा भी है मैंने बट कार्बोनिल में स्ट्रिक्टली फॉलो होना जरूरी है ठीक है अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है बेटा एदर दे विल एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है ना भले आप स्टेटमेंट में चाहो तो लिख लो बेटा है ना कि इन मेटल कार्बोनिल्स इन मेटल कार्बोनिल्स ठीक है ना इफेक्टिव एटोमिक नंबर शुड डेफिनेटली बी इक्वल टू नेक्स्ट नीयरेस्ट नोबल गैस ठीक है ना इफ इट इज नॉट देयर इफ इट इज़ नॉट देयर देन इफ इट इज़ नॉट देयर देन दे मेटल कार्बोनिल मतलब इनफैक्ट है ना दे का मतलब मेटल कार्बोनिल है दे विल ऐदर अंडर गो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन दे देर गो एदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन टू मेक देयर ई एन इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस टू मेक देयर ई एन इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस ठीक है तो अब देखिए एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन आपकी यही है ठीक है ना क्या है पहली एप्लीकेशन सीधे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ इफ आई एम गिविंग यू सी आर सी ओ एक्स है ना एफ सी ओ वाई है ना पहला कंपाउंड मैंने लिखा है सी आर सी ओ एक्स दूसरा है सी आर सी ओ फाइव ए वाई और तीसरा लिखा है बेटा मैंने एन आई सी ओ जेड थर्ड वन इज एन आई सी ओ जेड कोई चार्ज वार्ज नहीं लिखा है चार्ज ये सी आर है ना चार्ज नहीं लगाया है मेरा आर ओ एल कभी कभी बच्चों को सेम लगता है चार्ज नहीं लगाया मतलब सभी में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी जीरो तो पहला क्वेश्चन ही बेटा कि क्वेश्चन आ सकता है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ जिनकी वैल्यू बताओ एक्स वाई जेड की थी XYZ, आपको सामने दिख रहा है बेटा एक्स पक्का छ है बट अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है बेटा ये जो भी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ ये मेटल कार्बोनिस्ट के रिस्पेक्ट में ही है ठीक है या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या पॉलीमराइजेशन ताकि वो अपने ई एन को नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सकें ताकि वो अपने ई एन को नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर कर सकते हैं तो यहाँ पर अब क्रोमिया में बेटा मतलब अभी तो राइट नाउ सभी थ्री डी सीरीज के हैं आप ओरल भी निकाल सकते हो क्रोमियम है कितना बेटा ट्वेंटी फोर अगर थर्टी सिक्स करना है तो बारह इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो जीरो है तो आप एक्स की वैल्यू सिक्स बोलोगे है ना और अगर यहाँ पर तो चलो एक्स पता है चलो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दो मान लो दूसरे वाले में अब नहीं पता है तो करने का तरीका क्या है आप एफ की ई ए एन कन्फर्मली थर्टी सिक्स मानोगे इट इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स माइनस ठीक है ना ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ है ही नहीं ठीक है ना तो वो ज़ीरो है बेटा प्लस एक सी कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा आपको दो तो यहाँ पर ठीक है ना वाई है तो टू वाई तो आप यू कैन सी थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी सिक्स टेन तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा फाइव और मैंने बार बार आपको याद हो तो एफ ई कंपाउंड का नाम लिया भी है अब एन आई की बात करूँ अगेन सेम लॉजिक अब तो कर लोगे जल्दी तो इस बेसिस पर एन का ट्वेंटी है बेटा 36 बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 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 Z की वैल्यू कितनी होगी समझ में में तो में अभी देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन एक एक तो पहले ही अपने आप में एक अच्छा है जिन बच्चों को ये नहीं पता हो बेटा कि मेटल में अगर न्यूट्रल चार्ज है ठीक है ना मेटल कार्बोनिल्स को नहीं है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अगले ही एप्लीकेशन में बता रहा हूँ वो शो करेंगे या फिर आपका पॉलीमराइजेशन ठीक है ना तो तीनों को हम दोनों को बाकी पॉइंट्स को देख रहे हैं अब पहला तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन बनाने से बेटा इसी क्वेश्चन का नया वर्जन जो जेई वेई में आजकल करते हैं कि पहला क्वेश्चन तो बेटा कि अलग अलग पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड और अगला क्वेश्चन अगर ये है नीट के क्वेश्चन या जेई मेन्स के कि सिंगल सिंगल अलग अलग क्वेश्चन है जेई एडवांस में क्या करता है बेटा उन्हीं क्वेश्चन को तड़का लगा देता है तीनों दे देगा ठीक है बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस हो गया बेटा तो नया क्वेश्चन डरावना लगने लग जाता है तो एक्स सिक्स आ रहा है जेड फोर आ रहा है हमारे लिए वैल्यू होगी टू क्योंकि जेई में आजकल इंटीजर क्वेश्चन भी आते ही हमें पता है ना सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग या पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोनेट दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पहले तो वैल्यू है एक्स वाई दैट्स ऐसे निकालना टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग ना ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है बेटा रिड्यूसिंग भी हो सकता है और पॉलीमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोन

कार्बोनिल में अगर किसी मेटल कार्बोनिल में ठीक ना ये है न, देखो मान लीजिए ये थर्टी फोर है बेटा ये थर्टी फाइव है मैं थर्टी सिक्स पॉसिबिलिटी थर्टी सेवन वाला चाहेगा थर्टी सिक्स में जाना ठीक है ना थर्टी फोर थर्टी फाइव वाले ये दोनों भी चाहेंगे किस में जाना थर्टी सिक्स में ठीक है तो जिनका कम है बेटा जिनका कम है जिनका कम है वो क्या कर रहे हैं बेटा 34 से 36 में जाना मतलब वो क्या कर रहे हैं 34 से 36 में जाने का मतलब क्या है ठीक है ना यहाँ पे आप कुछ समझो बेटा मान लीजिए 34 होता है ये सपोज़ करो 34 होता सपोज़ करो ठीक है ना ये वैल्यू 34 आती तो 34 को 36 बनाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में डालनी पड़ती ठीक है माइनस में डालनी पड़ती मतलब इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है बेटा गेन करा है ना मतलब जो कम वाले हैं बेटा जो कम वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे गेन और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिन मेटल कार्बोनिल्स में इफेक्टिव एटोमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस से कम है बेटा दे विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है और जिनमें अब जैसे नीचे वाले हैं बेटा ठीक है ना ये वाला जो है थर्टी सेवन से थर्टी सिक्स जाना चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टे कम करना है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा लूज करे तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे और इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कौन करता है बेटा जो काम करता है किसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो काम करता है किसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है अब इसके सपोर्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊ जैसे सी ओ सी ओ फोर सी ओ फोर अब अगर कोबाल्ट है ना ये कोबाल्ट बेटा अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है ऐसे नहीं कई महान आत्मा है दोनों को सी समझ ले अब अगर मैं इसका ये निकालता हूं बेटा तो कोबाल्ट का एटोमिक नंबर कितना ट्वेंटी तो ट्वेंटी सेवन प्लस एट कितना हो गया बेटा थर्टी फाइव ट्वेंटी सेवन प्लस एट कितना हो गया बेटा थर्टी फाइव थर्टी फाइव है तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन तो ये जो है सी ओ सी ओ फोर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सी ओ सी ओ फोर माइनस बना देता है ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सीओ सीओ फोर माइनस बना देता है जिसमें अब इसका एटॉमिक नंबर अब इस कॉम्प्लेक्स में निकालोगे तो ट्वेंटी सेवन ऑक्सीडेशन नंबर सीओ की यहां पे तो कितनी थी बेटा जीरो बट यहां ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन है तो माइनस वन मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है ना आप इस फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो माइनस ऑफ माइनस वन करोगे वो प्लस वन हो गया मैंने डायरेक्टली लिख दिया है प्लस एट तो ये हो गया आपका कितना थर्टी सिक्स मतलब सी ओ फोर ये मैंने लिखी दिया है ये एक अच्छे किसकी तरह काम करा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ना इसी क्वेश्चन का देखो दूसरा वर्जन हमसे पूछ सकता है बेटा सी ओ सीओ फोर किस तरह से अपनी है ना किस तरह से क्या कर क्या क्या करके वो अपना इफेक्टिव ऑटोमिक नंबर नेक्स्ट ईयर स्नोबल गैस के बराबर कर सकता है एक तरीका है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे। दूसरा तरीका है डाइमराइजेशन है ना उस उसपे मैं आ रहा हूँ पॉलीमराइजेशन पहले मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि अगर हमसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ है ना से क्वेश्चन ऐसे बना के देते एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन ए सी ओ सी ओ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन तो सामने ही लिखा है बेटा ऊपर वाली रिएक्शन हमें पता है सोडियम क्या होता है बेटा ये काम कर रहा है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा सोडियम एक अच्छा क्या होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट समझे सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करा बेटा वही इसने गेन करा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल एन प्लस और सी ओ सी ओ फोर माइनस मिलकर आपका एन ए सी ओ सी ओ फोर बन गया ठीक है ना थर्ड एंड मतलब इसी का सेकेंड पार्ट इज पॉलीमराइजेशन बस ठीक है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर क्वेश्चन आने के काफी चांस है बेटा ये है पॉलीमराइजेशन ठीक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे अभी मैंने आपसे बोला सेकेंड तरीका सी ओ सी ओ फोर का ये है कि ये अपना डायमर बना दे इसके दो मोलिक्यूल जुड़ के सी ओ टू सी ओ एट बना देना ये डायमर बना के भी अपना क्या कर सकता है बेटा ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है ये डायमर बना के भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है सी ओ टू सीओ एट इससे क्या होगा अगर ये डैमर बन गया बेटा तो सी ओ और सी ओ के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा सी ओ और सी ओ के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा आपका ठीक है ना और आपका सी ओ तो थे ही चार चार है ना अभी स्ट्रक्चर अभी मैं स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होती सॉलिड फॉर्म में अलग होती लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में अलग होती अभी मैं एक ड्रफ्ट आइडिया बता रहा हूँ इस बॉन्ड बनने से क्या हो गया बेटा इस बॉन्ड बनने से एक एक इलेक्ट्रॉन एक दोनों एक्स्ट्रा और आ चुके हैं तो ट्वेंटी सेवन प्लस एट थर्टी फाइव तो था ठीक है ना ट्वेंटी सेवन प्लस एट ये थर्टी फाइव तो एक इलेक्ट्रॉन ये और हो गया तो इसकी भी थर्टी सिक्स हो गई इसकी भी थर्टी सिक्स हो गई आ रही मेरी बात समझ में तो दोनों की आपकी थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हो गई है ना तो अब ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं आपके जिनमें इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपनी इफेक्टिव एटोमिक एक नंबर को नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सकते हैं ठीक है चलिए अगर मैं एक दो एग्जाम्पल्स और बताऊँ बेटा बस इतने सा अगर हमें जानकारी है तो हमारा काम बड़ी आसानी से मेटल कार्बोनिस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा है ना मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मैं आपको एक सी का बता दिया एम एन अगर वे लेते हो तो आपको पता है एम का एटोमिक नंबर कितना होता है नहीं इससे हम सब चीज़ों को बता कर सकते हैं बेटा तो एम का एटॉमिक नंबर अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ एम एन तो एम एन तो 25 फाइव प्लस टेन हो गया 35. 25 10 कितना हो गया बेटा थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस टेन कितना हो गया थर्टी फाइव अब इसके पास भी दो ऑप्शन बेटा पहला ऑप्शन है कि ये थर्टी फाइव है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले मतलब है ना एम एन सी ओ इसकी कम है बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना है आपका है ना इसमें भी ट्वेंटी सेवन प्लस एट थर्टी फाइव थी इसे भी गेन करना है मतलब ये एम एन सी ओ फाइव माइनस में चले जाए फर्स्ट ऑप्शन या फिर ये डायमर बना दे तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है बेटा डायमर बनाते ही जो अभी मैंने बोला हर एम के साथ पाँच पाँच थे ठीक है ना बीच में एक बॉन्ड आपका और आ चुका है उस बॉन्ड बनाने की वजह से आपका उस बॉन्ड बनने की वजह से आपका थर्टी फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है ना थर्टी फाइव प्लस वन क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ चुका रहता है यहाँ पर है ना तो थर्टी फाइव तो था ही एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एक्स्ट्रा तो हमसे पूछ सकता है एम किस तरह से कर सकता है तो दो पॉसिबिलिटी या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर डाइमर बना ठीक है ना इससे अब अब हैं अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो क्या शिक्षा मिल रही है अगर किसी का आ रहा है थर्टी फाइव आ रहा है थर्टी सेवन आ रहा है तो क्या होगा थर्टी फोर वाला क्या बनाने की कोशिश करेगा है ना थर्टी थ्री थर्टी फाइव वाला डाइमर बनाने की कोशिश करेगा ठीक है ना थर्टी सेवन तो नहीं कम वालों की बात करते हैं थर्टी फोर क्या बनाने की कोशिश करेगा बेटा डाइमर अगर थर्टी थ्री होता और कम होता किसी का वो क्या बनाने की कोशिश करता बेटा ठीक है और इससे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बता सकते हैं कितने होंगे लाइक like, एक एग्जाम्पल और लिखू मैं एफ ई सी ओ फोर मान लीजिए एफ ई सी ओ फोर अब एफ ई सी ओ फोर में ट्वेंटी सिक्स प्लस एट कितना हो गया बेटा थर्टी फोर थर्टी फोर है थर्टी फोर वाला इलेक्ट्रॉन गेन लूज के अलावा तो 34 के बाद अब ये ट्राइमर बनाने की कोशिश करेगा मतलब ये आपका एग्जिस्ट करेगा एफ ई थ्री सी ओ ट्वेल्व में है ना एफ ई थ्री सी ओ ट्वेल्व के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये अपना बनाएगा कि बेटा ट्राइमर अब अगर इसमें हमसे पूछे कि नंबर ऑफ एफ ई देखो वेरिएशन बस ऐसे ही होता है नंबर ऑफ एफ ई एफ ई बॉन्ड कितने हैं तो आप देखो बेटा एक कम था तो आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ा अब अगर दो काम है बेटा थर्टी फोर से थर्टी सिक्स में ले जाना तो आपको एक एफ के रिस्पेक्ट में दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे तो एक एफ के रिस्पेक्ट में दो बॉन्ड बनाने हैं तो ये Fe, इस Fe से भी जुड़ा होगा इस एफ से भी जुड़ा होगा तो इस एफ के तो दो बॉन्ड हो गए बट इन दोनों के होने चाहिए बेटा तो इधर इससे भी बॉन्ड बनेगा आप देख लो आप हर एक एफ को देख लो इस एफ के भी दो बॉन्ड हो गए इस एफ के भी दो बॉन्ड हो गए इस एफ के भी दो बॉन्ड हो गए तो इंटीजर टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बोलेंगे हमारे पास नंबर ऑफ एफ ई बॉन्ड कितने हो गए टू तो ये एप्लीकेशन हो गई इसकी बेटा कि हम इससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बता सकते हैं मतलब इंडायरेक्टली आप बोल सकते हो बेटा 35 वालों में एक बॉन्ड बनेगा 34 वालों में टू बनेंगे अगर 33 हो जाता है किसी का तो उसमें आपके ठीक है ना इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं चेंज एक और एप्लीकेशन बता दूँ बेटा ठीक है ना सी ओ सी ओ थ्री एक और एग्जाम्पल इसी का बता दूँ जैसे सी ओ सी ओ थ्री अगर ट्वेंटी सेवन है बेटा और ट्वेंटी सेवन प्लस क्या आपका सी ओ थ्री है मतलब छः थर्टी थ्री अब थर्टी थ्री वाले को क्या करना पड़ेगा बेटा ठीक है ना थर्टी थ्री वाले को सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा टेट्रामन क्या बनाना पड़ेगा बेटा टेट्रामन चार ताकि ये सी ओ फोर और सी ओ क्या हो जाए बेटा ट्वेल्व और तो इसमें अगर हमसे वापस पूछ ले नंबर ऑफ सी ओ सी ओ तो नंबर ऑफ सी ओ सी ओ कितने हो जाएंगे बेटा 6, क्यों छः है ना थ्री सी टू आप अगर मैथमेटिक्स लगाते हो तो ठीक है ना फोर सी टू की बात करोगे फोर सी टू चार में से कोई भी दो सी ओ लगे तो फोर सी ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपका सिक्स हो जाएगी कैसे होंगे वो चार छः बॉन्ड कैसे होंगे बेटा सी ओ सी ओ सी ओ और सी ओ जैसे पी फोर होता ना एग्जैक्टली लाइक दिस ये आपस में जुड़ गए बेटा ये सी जुड़ा ये ए जुड़ा तो यू कैन सी है तो ना एक एक सी ओ एक सी ओ एक सी ओ एक 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 को कितने बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं बेटा तीन बट टोटल अगर हम सी ओ सी ओ बंड बोलेंगे तो टोटल सी ओ सी ओ जाएंगे बेटा छः ठीक है ना टोटल सी ओ सी ओ बंड कितने हो जाएंगे हमारे पास छः ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन बस और है मेरे पास अच्छा उसको बताएं तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटोमिक नंबर ठीक है वो अच्छा क्वेश्चन क्या है आई होप क्लियर हो गया होगा हो सभी कहानी और ये सब इन्फॉर्मेशन भी है बेटा है ना ये सब इन्फॉर्मेशन भी कि एम एन सी ओ फाइव क्या करेगा सी ओ सी ओ फोर क्या करेगा थर्टी थ्री वाला क्या बनाएगा थर्टी फोर वाला क्या बनाएगा थर्टी फाइव वाला क्या बनाएगा बॉन्ड्स की नंबर कैसे निकालनी है ठीक है ना लास्ट क्वेश्चन है हमसे बोल रहा है कि जो मैं लिख के लाया था आपके लिए कि कैलकुलेट द एक्स कैलकुलेट एक्स फॉर एफ ई टू एफ ई टू सी ओ एक्स कैलकुलेट द एक्स फॉर एफ ई टू सी ओ एक्स ठीक है एफ ई टू सी ओ एक्स अब आप देखो बेटा ठीक है ना क्या है एक्स की वैल्यू बता हमें बतानी है अब कैसे बताएं एक्स की वैल्यू यहाँ पर कि एक्स कितना होना चाहिए ठीक है अगर हम एफ ई सी ओ फाइव ले अब आप बोलोगे सर आपने एफ ई सी ओ फाइव ही क्यों लिया तो मैंने एफ़ ई सी ओ फाइव इसलिए लिया है बेटा क्योंकि ठीक है ना ये एफ ई टू दिख रहा है मतलब डायमर है, तो इसका मतलब इससे पहले सिंगल वाला जो फॉर्म होगा ठीक ना वो थर्टी फाइव वाला होना चाहिए और थर्टी फाइव होने के लिए ये ट्वेंटी सिक्स है ठीक ना ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन ये हो गया कितना बेटा आपका थर्टी सिक्स अगर एफ़ी सी था तो वो एक्जैक्टली exactly कितना हो गया बेटा थर्टी सिक्स अब यहाँ पर हमारा ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन थर्टी फाइव तो हम x की वैल्यू कितनी कर दें बेटा यहाँ पर नाइन अगर ये एफ ई टू सी ओ नाइन के फॉर्म में आ गया एफ ई टू सी ओ नाइन के फॉर्म में आ गया तो क्या होगा आपका है ना एफ ई एफ ई के बीच में बॉन्ड आएगा ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी वैसे भी बना चुका हूँ तीन तरफ सी ओ सी ओ सी ओ फिर सी ओ सी ओ सी ओ और फिर ये बीच वाले जो सी ओ हैं बेटा ये ब्रिज की तरह काम करते हैं ये ब्रिज की तरह काम करते हैं मतलब एक एक एफ -E के रिस्पेक्ट में देख लो आप क्या हो रहा है है ना एक एक एफ -E के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो 26 था बेटा 6 इससे मिल गया उसको 32 इन दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन है एक इस एफ -E के पास गए एक एफ ई -E के पास तो है ना ट्वेंटी सिक्स प्लस सिक्स थर्टी टू और बीच में एक क्या आ गया बेटा एफ ई एफ ई बॉन्ड आ गया तो 35 फाइव प्लस वन कितना हो गया आपका 36 सिक्स ठीक है इसके बाहर आपका मेटल कार्बोनेट्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है ठीक है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इसकी एप्लीकेशन इन मेटल कार्बोनेट्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्लास से अब हम सेम नौम, कचर को स्टार्ट करेंगे तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल